पूछ आएगी कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर किए जाएं। बीजेपी या मोदी नैरेटिव स्ट्रांग होता चला जा रहा है ना, मुझे तो ये चुनाव के बीच भारत एक बहुत बड़ी डील की तरफ बढ़ रहा है। ओमान को अपना साझेदार बनाकर इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो देश जिन्हें वो अपना दोस्त बताता है वो भारत के इतने करीब चले। नेवी के तो आपके है ही, एयरफोर्स के साथ भी अभी टाइज डीपन हो रही है, मैटर ऑफ फैक्ट आर्मी के साथ भी एक्सरसाइज होती है, कहां पर? ओमान में। डम डमाडम डम। और एक वहां पर लिटिल इंडिया है जिसका जो एक एसईजेड है दुकुम पोस्ट के आसपास, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहां पर हमारा भारत मार्ट और ये सब बन रहा है। एक ये हाल है, ऊपर से मायूसी इसलिए ज्यादा होती है कि इस हाल से निकलने का किसी के पास कोई हल नहीं है और ऊपर जो बैठे हुए हैं वो खाली। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है ओमान की, कि ओमान के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस अच्छे खासे तौर पर बढ़ रहा है और सिचुएशन ये हो रही है कि ओमान के अंदर एक मिनी इंडिया बन रहा है। अब देखिए, होता यह है कि कई सारी जगह है जहां पर अब इंडियन कल्चर बहुत बड़े मात्रा में फैल रहा है। अब पहले यूएस, यूके, फ्रांस ये सारी जगह तो थी, इवन रशिया की, जहां पर इंडियन इन्फ्लुएंस अच्छा खासा बढ़ रहा था, लेकिन एक जो इस्लामिक कंट्रीज है उसमें भी अरब कंट्रीज है उसमें ऐसा था कि अब उन लोगों का कल्चर ऐसा है कि वो दूसरे को अलाउ नहीं करते थे, लेकिन आज सिचुएशन ये है कि वो लोग भी मजबूर हो गए हैं इंडिया को अपनी जो भी प्रैक्टिस है उनको खुल के कर देने में, और वो खुद भी इंस्पायर हो रहे हैं। जैसे हमने पिछले दिनों देखा अबू धाबी के अंदर एक मंदिर खुला, दुबई में ऑलरेडी मंदिर है। अब देखिए, एक मंदिर आप सोच सकते हो कि भी एक मंदिर से क्या होगा, लेकिन उस जगह पर मंदिर खुला है जो इस विचारधारा से बिल्कुल ही नफरत करते हैं। वो ऐसा नहीं कि प्रतिबंधित, नफरत ही करते, और वहां जगह अगर मान लीजिए ऐसी चीजें होती है तो आपको डेफिनेटली ये सोचना पड़ेगा कि भाई इंडियन इन्फ्लुएंस अच्छा खासा बढ़ रहा है, हर कंट्री में मिनी इंडिया बन रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं, और हाँ दोस्तों, सुपर थैंक्स के जरिए हमें मदद करना ना भूले। आपके बीच भारत एक बहुत बड़ी डील की तरफ बढ़ रहा है, ओमान को अपना साझेदार। मिडिल ईस्ट में एक अहम जियोलॉजिकल लोकेशन पर है, जिस कारण भारत को इसे सीधे यूएई, कतर, सऊदी अरब, यमन और यूरोप से ट्रेड करने में फायदा मिलेगा। इसी रूट से भारत को 60% से ज्यादा क्रूड ऑयल मिलता है। भारत को लगभग 85% तेल इम्पोर्ट करना पड़ता है, और ओमान के साथ डील फाइनल होने के साथ ही और इस्लामिक देशों तक भारत की पहुंच अब पाकिस्तान के लिए और चीन के लिए भी सरदर्द है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस बात की कल्पना नहीं की थी कि वो देश जिन्हें वो अपना दोस्त बताता है वो भारत के इतने करीब पूछना चाहता है। चाइना ओमान का तेल है, चाइना बोलता है यार मैं यहाँ पर, मैं जिबूती में, मेरे को तेल तू चाहिए होता है, ओमान जी मेरे को वहां से आप तेल दे दो। ओमान कहता है ले लो यार, क्या टेंशन है, राइट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर एबल टू काउंटर दिस गेम। आप ओमान का अगर तेल डायरेक्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साथ बोलो कि साहब तेल जितना है आपका हम ले लेंगे, नो टेंशन, चाइना का पूरा पत्ता कट जाएगा वहां पर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देर आर टॉक्स ऑफ अ पाइपलाइन विच इज टू गो फ्रॉम ओमान टू भारत, एन अंडर सी ऑयल पाइपलाइन, ठीक है? नाउ ओमान इज ऑल्सो ये जो अडानी के साथ बात कर रहे हैं कि भाई थोड़ा दुकुम पोर्ट को जरा हम बड़ा करते हैं, क्योंकि यार अगर आप इतना सब कुछ करने जा रहे हो हमारे साथ तो वी नीड द पोर्ट टू बिकम बेटर। अडानी जी आओ ना। इंडो ओमान जॉइंट वेंचर है इज विच इज इन्वेस्टिंग $62.7 million इन द लार्जेस्ट सेबैक्सिक एसिड प्लांट इन दुकुम। जहां तक इंडिया से ताल्लुक है, क्या इंडिया आपसे बात करना चाहता है? आज का इंडिया वाजपेयी और मनमोहन सिंह के इंडिया से बड़ा मुख्तलिफ इंडिया है, और जनरल मुशर्रफ की अभी एजाज बात कर रहे थे, जब वाजपेयी पाकिस्तान आए तो कौन रुकावट बना? यानी आप गुफ्तगू करें, आप आगरा जाएं तो ठीक है, लेकिन अगर नवाज शरीफ इनिशिएटिव ले और वाजपेयी को बुलाए तो गलत है। बेनजीर भुट्टो, राजीव गांधी को बुलाएं तो आप सिखों की लिस्ट और तरह तरह की जो है कहानियां और खबरें दे दें, लेकिन जनरल बाजवा इनिशिएटिव लें तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले तो क्लैरिटी हमारे अंदर आनी चाहिए। हर जगह तंबाकू स्मगलिंग में अरबों का नुकसान, पेट्रोल स्मगलिंग में अरबों का नुकसान, पीआईए में अरबों का नुकसान, स्टील मिल में
अरबों का नुकसान, रेलवे में अरबों का नुकसान, मुल्क में बिजली, निजी बिजली घर डाकों में अरबों का नुकसान, आटा गंदम में अरबों का नुकसान, अद्वियात स्कैंडल में अरबों का नुकसान। यकीन करें इन चारों सूबों में अरबों का नुकसान, वफाक में अरबों का नुकसान। 7,000, ऐसे इकबाल साहब बता रहे थे कि 7,000 अरब इस मुल्क की आमदन है और 8,000 अरब हमें सालाना कर्जा देना पड़ता है। गंजी नाएगी क्या और निचोड़ेगी क्या? एक ये हाल है, ऊपर से मायूसी इसलिए ज्यादा होती है कि इस हाल से निकलने का किसी के पास कोई हल नहीं है और ऊपर जो बैठे हुए हैं वो खाली। अब यूएई, सऊदी, कतर और ईरान के बाद भारत ने ओमान के साथ पक्की यारी की तैयारी कर ली है। ओमान और भारत ने अपनी साझेदारी को मजबूत करने के लिए अपने व्यापार में विस्तार कर लिया है। दरअसल ईरान के कई देशों के साथ जारी तनाव के बीच भारत अब ईरानी रास्ते से ओमान में ट्रेड बढ़ाएगा। और एक वहां पर लिटिल इंडिया है जिसका जो एक एसईजेड है दुकुम पोस्ट के आसपास, वहां पर एक जगह है जिसका नाम है लिटिल इंडिया, जहां पर हमारा भारत मार्ट और ये सब बन रहा है। दैट ऑल्सो देयर सेइंग कि साहब इसको जरा थोड़ा बड़ा करें एंड यहां पर भारतीयों के लिए टूरिज्म की अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएं, क्योंकि यहां पर अगर काम शाम चलेगा, लोगों की फैमिलीज आएंगी, ये होगा वो होगा, हम थोड़ा सा इंसेंटिव एंट्री कर देंगे, हम वीजा ऑन अराइवल हम टक 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 कुछ कर करा के दे देंगे, लेट पीपल कम हियर एंड दैट एरिया इज वेरी ब्यूटीफुल। लेट मी टेल यू, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वॉटर्स, फैंटास्टिक, हॉट एज हेक बट ब्यूटीफुल। एंड देखिए ओमान बोलता है मेरे को 7 एसईजेड और बनाने हैं, 7। तो जरा अडानी जी कितने बनाओगे आप? तो दैट विल ऑल्सो हैपन, योर अदर पोर्ट डेवलपर्स विल ऑल्सो कम इन की भैया आ जाओ हम भी कॉन्ट्रैक्ट में डालें। सो इफ यू आर एबल टू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ दीज आउट ऑफ 7, लेट्स से 3 यू आर एबल टू डू, गेम सेट मैच गाइज, द गेम इज रियल।